आज एक वीडियो मुझे व्हाट्सएप पे भेजा गया नरेंद्र मोदी जी के किसी प्रशंसक द्वारा या भक्त द्वारा या किसी समर्थक द्वारा, जो भी हो। उस वीडियो में किसी और का, जिसने भेजा था किसी और का था वो, और उसमें मोदी जी की तारीफ में सैकड़ों कशीदे पड़े हुए थे। और एक चैलेंज भी था कि मोदी जी को बचाने के लिए या उनका समर्थन करने के लिए जो भी संभव होगा वो करेंगे, हर चीज़ करेंगे। यानी कि अंधभक्ति कहते हैं इसको या अंधश्रद्धा कहते हैं, वो अंधश्रद्धा जब होती है तो हर चीज़ फिर नज़रअंदाज कर दी जाती है। क्योंकि पुरानी कहावत है कि जिसे आप पसंद करते हैं आप फिर उसकी बुराइयां और अवगुण और दुर्गुण आपको नज़र आना बंद हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही इसी प्रकार का वो वीडियो था। अब सवाल इस बात का उठता है कि उन्होंने जो वीडियो मुझे भेजा है, हालांकि मुझसे संबंध नहीं या मेरा कोई ताल्लुक नहीं उससे, क्योंकि मैं किसी राजनीतिक दल में नहीं हूँ, न कांग्रेस में हूँ, न भाजपा में, न अन्य किसी भी दल में नहीं, कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं, मैं एक आम आदमी हूँ। फिर भी मुझे भेजा जा रहा है, यानी कि कोई ख़ास बात होगी। अब ख़ास बात होगी तो ऐसा कुछ मिला है तो उसका जवाब देना लाजमी है, ज़रूरी है, तो मैं देता हूँ। उन्होंने उसमें कहा है कि मोदी जी के आंसू निकले और आंसुओं पर लोग हंसे, उनकी आंखों से अविरल धारा बही और लोग उस पर ठहाके लगा उठे, उपहास उड़ाने लगे। जो भी होगा, मैंने तो नहीं उनके आंसुओं का कभी मजाक उड़ाया और न कभी ठाके लगाए। मैं तो किसी भी आदमी के भी आंसू के नहीं ठहाके लगाता हूँ, किसी की मजबूरी को समझता हूँ और मदद नहीं बन पड़ती तो मैं कभी उसका उपहास भी नहीं उड़ाता। खैर, ये उनका मैटर होगा, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ। वो बात सिर्फ इतनी सी है कि जब तक आपके आंसू आंसू तब तक हैं जब तक वो आँखों में हैं। आँख में पानी होना चाहिए। रहीम जी कह गए बहुत पहले कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरें मोती मानो चून। पानी के बगैर कोई इज्जत नहीं है, न मोती की, न मनुष्य की और न आटे की। इन तीनों के लिए पानी बड़ा ज़रूरी है। आपके आंसू तभी तक कीमत रखते हैं जब तक किसी के लिए उनमें दर्द हो या फिर वो एक बंद कमरे में निजी तौर पर निकाले जाएं। सार्वजनिक तौर पे जब अपने आंसुओं को आप लाते हैं किसी मीडिया पर, किसी चैनल पे चलाते हैं अपने आंसुओं को, या सोशल मीडिया पर, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो या व्हाट्सएप हो या अन्य कोई भी हो, जब भी आप अपने आंसुओं को उस पर निकालने लगते ना, सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर, सार्वजनिक प्लेटफॉर्म बोलते हैं इनको, कोई भी हो, कोई चैनल हो, अखबार हो या सोशल मीडिया हो, जब आप उसे इस तरह से निकालना शुरू कर देते हैं उसी वक्त से आपके आंसुओं की कीमत खत्म हो जाती है। यानी आप दिखाने के लिए, लोगों को बताने के लिए, लोगों में जताने के लिए आप अपने आंसू निकाल रहे हैं, देखो मैं रो रहा हूँ, देखो मेरे अंदर बड़ा दर्द है। दर्द का समंदर है जिसमें से नदियाँ उल्टी चल रही हिमालय की तरफ। नदियाँ आकर के समुंदर में समा जाती हैं, और सब नदियाँ जब समुंदर में पहुँचती तब तो ये नहीं पता चलता कि गंगा कौन सी, जमुना कौन सी है, और वो बेतवा और नर्मदा कौन सी, सब गायब हो जाती हैं समुंदर में जाकर, एक भी नहीं बचती। तो प्रधानमंत्री जो होता ना पद पे, उस समंदर की तरह होना चाहिए जिसमें सबके आंसू आ करके उसके अंदर विलीन हो जाएं। आप रोते हैं, सार्वजनिक दिखाते हैं, प्रचार करते हैं, मतलब भाई रो रहे हैं, मतलब आप रो नहीं रहे, पाखंड कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं। फिल्मों में होता है ना, गली सिरीम डाली आंखों में, वो आंसू निकाल दिए। फिल्म अभिनेता पूरी फिल्म में सैकड़ों दफर होता, कोई सा भी अभिनेता हो वो हर फिल्म में रो लेता है कहीं ना कहीं। इतने आंसुओं के समंदर उन पर कहाँ से आ जाती, गली सरीन से। अब हम क्यों ना मान लें कि यार तुम गली सरीन से रो रहे थे, गली सरीन के आंसू निकाल रहे थे, क्योंकि आप सार्वजनिक कर रहे हैं।
एक फिल्म दिखा रहे हैं, सिनेमा स्कोप, और उसे आप हिट, सुपर हिट, बम्पर हिट और डम्पर हिट करना चाह रहे, यही तो मतलब हुआ। नहीं तो आप कमरे में बंद करके अकेले इकल्ले बैठ के रो लेते, दर्द था तो, और दर्द होता भी तो यार उन लोगों के लिए होना चाहिए था जो सवा साल से डेढ़ साल से आप भूखे मार रहे हैं, उनको, उनके पास रोजी नहीं, रोटी नहीं, गरीब हैं। लॉकडाउन और कर्फ्यू लगा लगा के भारत को तो तुमने पागल कर दिया। जिसको देखो किसी के पास ना काम धंधा है, ना पैसा है, ना रोजगार है, जो जमा पूंजी थी वो भी काफी थी, खर्चों को ही ख़त्म हो गई। अब किसी के पास कोई हिल्ला है नहीं। बहुत से ऐसे इस देश में जो सुबह कुआ खोद लेना और शाम को पानी पीते हैं, जो केवल रोज की दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। मजदूरों की बात छोड़ दो, बहुत से लोग हैं इस देश में सरकारी नौकर तो कम है जो छठे वेतन और सातवें वेतन पा रहे हैं, बहुत कम है, मामूली से। लेकिन बाकी जो 1,33,000 वो 1,33,00,000 या इससे ज़्यादा जनसंख्या है, नहीं 1,25,00,000 से ज़्यादा, डेढ़ अरब के आसपास है कहीं। अब इतनी जो जनसंख्या उसमें सरकारी कर्मचारी कितने हैं? 1% भी नहीं है। जिनको बनी बनाई तनख्वाह मिलती, पेंशन मिलती, भत्ता मिलते, छठा वेतन मिलता, सातवां वेतन मिलता, वो भी काम नहीं कर रहे, बैठ के खा रहे हैं, वो भी बैठी तनख्वाह ले रहे हैं। वो आदमी टैक्स दे ही रहा, माचिस लाए, टैक्स के ऊपर वो और दे रहा है ब्लैक मार्केटिंग का पैसा, काला बाजारी का। कोई भी चीज़ आज तो सस्ती मिल नहीं रही। दालें चल रही हैं इस समय 160 से लेकर 200-250 तक। तेल बिक रहा है इस समय 200 रुपये, 225 रुपये। वो जो हो रहा है वो अलग है, लेकिन गरीब नहीं खा पा रहा। या जो प्राइवेट काम कर रहा है, जिनको मिलती थी, उनकी फैक्ट्री बंद है, किसी का उद्योग बंद है, किसी का काम धाम सबके बंद है, कोई नहीं खा रहा, पूरा देश भूखा मर रहा, परेशान है। जे कोरोना वो कोरोना, लोगों ने थाली बजा ली, मोमबत्ती जला ली, सब कर लिया, वैक्सीन लगवा ली, सब कर्म करे है, फिर भी मर रहे, मरने से तुम रोक नहीं पा रहे, और उनको भी भूखा मार रहे हो जो थोड़ा बहुत खा भी। अरे भूखा मर मर के आदमी ज़्यादा मरेगा। अगर इनके लिए तुम रोते, इनके लिए आंसू बहाते, तो तुम्हारे दर्द की बात थी कुछ। इस देश में लाल बहादुर शास्त्री जैसे भी प्रधानमंत्री हुए श्रीमान, जो एक वक्त रोटी खाते थे, और केवल इसलिए खाते थे कि मेरे देश में बहुत से लोगों को एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं है, इसलिए वो सिर्फ एक वक्त की रोटी खाते थे। तब कोरोना कुछ नहीं था। आपने 1.25 साल में कितने दिन रोटी छोड़ी कि मेरे देश के आदमी रोटी नहीं खा पा रहे तो मैं भी नहीं खाऊंगा? एक भी दिन नहीं, क्योंकि आपके अंदर दर्द नहीं है और दर्द वाले आंसू नहीं है, ग्लिसरीन के आंसू हैं आपके, उन लोगों के लिए बहते हैं जहां आपको चुनाव में वोट का फायदा मिल सके किसी तरीके से। फिर उन्होंने बात कही कि भाई जो है ये आंसू तो केजरीवाल का खांसी दूर करा दिए, और उनके लिए बहते। अरे यार निजी है तो निजी रखो, सार्वजनिक क्यों करते हो? सार्वजनिक करोगे तो सार्वजनिक निंदा होगी, फिर सार्वजनिक निंदा या आलोचना हो तो उसे झेलो या पर्सनल रखो। दो बातें एक साथ नहीं हो सकती, छींकते समय आंखें खुली नहीं रखी जा सकती। आप दोनों काम एक साथ करना चाहते हैं, भले भी बनना चाहते हैं, बुरे भी बनना चाहते हैं, दो नंबर के काम भी करना चाह रहे हैं सब। अरे भाई एक कत्ल कोई करता है तो उस पर मुकदमा चल जाता है, कत्ल का, हत्या का। आपकी वजह से लाखों लोग इस देश में मर गए, आप पर कौन सा मुकदमा चलना चाहिए? कोई धारा है या CRPC में प्रावधान है या IPC में कोई धारा है कि कोई हुक्मरान गलत आदेश दे दे उसकी वजह से लाखों लोग मर जाएं, तो उस पर क्या मुकदमा चलना चाहिए गलत आदेश की वजह से? पिछले जब मजदूर जो है पिछले लॉकडाउन हुआ था पिछली साल, अपने घरों को आ रहे थे, रास्ते में मर गए बहुत से, भूख से, प्यास से या किसी भी वजह से, उनका जिम्मेवार कौन है? आप तो बैठे हो उस जगह पर जहां पे दस्तखत कर देते हो, अगर सब हो गया जबरदस्ती जिद दौर करते चले जाते। अरे मारो देश को भूखा, कर दो लॉकडाउन, कर दो। सरकार का काम बस इतना ही है, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी दिए, लोक कल्याण की भावना समाहित है, आप भूखा मार रहे हो उल्टा।
रोटी भेजो घर घर। जब भी आपदा प्रबंधन का कानून लागू होता है, अभी तक बाढ़ पीड़ितों के लिए होता था, और ये कानून बाढ़ पीड़ितों के लिए ही बनाया गया था। बिहार वगैरह में बहुत बाढ़ आती थी, सब नदियां सिमट के उधर से ही निकलती हैं, तो उनके लिए था ये कानून आपदा प्रबंधन, इस चीज के लिए नहीं था। और उसमें भी ये व्यवस्था थी कि हेलीकॉप्टर जाते थे और पैकेट गिराते थे खाने के, हर आदमी पे खाना पहुंचाते थे। इस आपदा प्रबंधन में वो नियम कहाँ गया? कहाँ गए हेलीकॉप्टर? कहाँ खाना गिरा रहे हैं? किसको रोटी खिला रहे हैं आज? किसी को नहीं। आपदा प्रबंधन में बाढ़ के संबंध में अभी तक ये कानून लागू होता रहा, या कभी भूकंप जैसे आ जाए या सुनामी आई थी उसमें ये कानून लागू किए गए थे पूरे देश में। इस तरह से चप्पे चप्पे पे कानून तो लागू कर दिया, लेकिन उसमें और क्या किया जाता? वो कुछ भी नहीं किया। पैकेट गिराओ ना खाने के, क्या कर रहे हो? पता तक तो है नहीं किसने खाना खाया किसने नहीं खाया। दूसरी बात उनने एक और कही इन सब बातों के अलावा, वो कह रहे थे कि जो है उनने वो कर दिया, क्या बोलते हैं, नाम कमा लिया, ये कर लिया वो कर लिया, इमेज गिरा रहे हैं, ये कर रहे हैं। इमेज एक ऐसी चीज़ है, ये कोई फिजिकल चीज़ नहीं है और इस पर कवच नहीं लगाया जा सकता। आपके कर्मों से आपकी इमेज बनती है या बिगड़ती है। इमेज अगर मोदी की ख़त्म हो रही है या हो चुकी है, तो वो हमने नहीं करी, इस देश के किसी आदमी ने नहीं करी। नेता होंगी तो दम किया, नेता तो करेंगे क्या, किसी आदमी ने नहीं करी। खुद कर ख़त्म हुई है, खुद के कर्म करके, बुरे बुरे कर्म करें, इस देश को परेशान किया है मोदी जब से बैठे हैं, परेशानी परेशान करते रहे जनता को, आज तक कोई सुख दिया हो? ऐसा कोई दिन है नहीं भारत के इतिहास में मोदी जी की सरकार के टाइम पर। अब मैं चूंकि राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, और नहीं तो मैं कुछ कहता भी कुछ करता भी, अब लोकल आम आदमी हूँ, लेकिन मुझे वीडियो भेजा है तो यार मुझे जवाब देना लाजिमी ज़रूरी हो गया था। और रही बात उसकी मोबाइल नंबर, फालतू फालतू लोगों से हम बात करते नहीं हैं। क्यों? क्यों इनके पास क्या पैसा मिल रहा है? मोदी जी अपनी इमेज बनाने को अरबों रुपये फूंक रहे हैं, सबको पैसा पहुंचा रहे हैं कि भाई मेरी इमेज बनाओ, मेरे बारे में कुछ लिखो, ट्विटर पे लिखो, फेसबुक पे लिखो, कुछ भी कहीं लिखते रहो, बस मेरे फोटो वीडियो चलाते रहो, मेरी तारीफ करते रहो। यार मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा, सो मैं काहे को तारीफ करूँगा या सुनूंगा तुम्हारी? मेरे तो 15 लाख रुपये और खा गए मोदी जी आज तक कर, मेरे कर्जदार मेरे अकाउंट में तो आज तक 5 पैसा नहीं आया। किसान सम्मान निधि का था, मैंने लगाया 21 दिसंबर 2020 का रजिस्ट्रेशन, आज तक पेंडिंग अप्रूवल ही नहीं हुआ उसका। 90-95% किसानों को किसान सम्मान निधि नहीं मिल रही, सरासर केवल झूठा और फर्जी काम हो रहा है टोटल। मैं मुरैना जिले से बोल रहा हूँ, नाम है नरेंद्र सिंह तोमर आनंद, सब जानते हैं, नाम से सब वाकिफ हैं, और मेरे कार्यक्रमों या जो मैंने किया उससे भी सब वाकिफ हैं। लेकिन मोदी जी मैं सहमत नहीं हूँ, ऐसे वीडियो मेरे पास में नहीं भेजूँ, और ऐसे लोगों को भी मैं आगाह करना चाहूँगा कि भाई ये सब मत करो नाटक नोटक की, क्योंकि ये लाल बहादुर शास्त्री का देश है। और फिर रही भारत की बात, तो भारत तो यार हम खुद हैं, भारत के वंशज हैं। भारत अर्जुन को कहा है भगवान श्री कृष्ण ने गीता में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत, हे भारत यानी अर्जुन, हे भारत जब जब धर्म की हानि होगी, अभ्युत्थानाम धर्मस्तदात्मानम सृजाम्यम, तब तब धर्म की वृद्धि करने के लिए, धर्म को फिर से खड़ा करने के लिए, वृद्धि करने के लिए, उसका संरक्षण करने के लिए, परित्राणा साधुनाम विनाशाय च दुष्कृतम, तब साधु पुरुषों का, अच्छे आदमियों का उद्धार करने, कल्याण करने के लिए, परित्राणा साधुनाम, उनको कष्ट से मुक्ति दिलाने के लिए, उनके त्रास और संकट दूर करने के लिए, और विनाशाय च दुष्कृतम, मतलब बुरे काम करने वाले और दुष्ट लोगों और बुरे कामों का नाश करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की स्थापना करने के लिए, तब मैं अपने आप को हर युग में बार बार प्रकट करता हूँ। अभी आ जाएंगे लॉकडाउन में, भगवान कृष्ण कहीं जन्म लेके या निकल पड़े तो पुलिस लट्ठों से ही धुंधेगी उनका पिछवाड़ा, भगवान कृष्ण डरते हैं,
कि भाई क्या पता अंग्रेजों की हुकूमत फिर से चल रही है देश के अंदर, जहाँ जाओ वहाँ पिछवाड़े पे पुलिस लठ सूंघ देती है, बाद में पूछेगी तुम कन्हैया और कृष्ण, जा घर को जा, निकलना मत बाहर, मार दें। आईपीसी की 511 धाराएं, 511 धारा में ऐसी कोई धारा नहीं है जो भगवान श्री कृष्ण पर न लगती हो। वो जो जो करके गए भगवान श्री कृष्ण, वो सबके सब कार्य अंग्रेजों ने अपराध घोषित कर दिए, उनका हर कार्य अपराध घोषित है। भगवान श्री कृष्ण कह जरूर गए गीता में कि मैं आऊँगा और ऐसा ऐसा करूँगा, लेकिन उनकी दम नहीं है। वो आएंगे तो हर चौराहे पे, हर पुलिया पे पुलिस हथकड़ी टांगे कृष्ण को ही ढूंढती मिलेगी, क्योंकि कृष्ण का हर कार्य अंग्रेजों ने अपराध घोषित किया था। और आज की तारीख में भारत में आज़ादी के इतने साल बाद भी अंग्रेजों की बनाई हुई आईपीसी चल रही है, बदली नहीं गई है। भगवान श्री कृष्ण का हर कर्म अपराध घोषित है, भगवान माँ दुर्गा का हर कार्य अपराध घोषित है, भगवान राम ने जो काम करे वो भी अपराध घोषित है। राम पे तो रावण के ही मर्डर का मुकदमा चलने लगेगा, और उनने असुर बहुत मारे, ताड़गा मार दी, लक्ष्मण ने नाक काट दी, सुपर्ण कर, बहुत किस लग जाएंगे, डरते हैं भगवान। और दूसरी बात ये है कि भगवान श्री कृष्ण तो एक चौरानी चौपट्टा नहीं पार कर सकते, तुम्हारी पुलिस हाल बंद कर देगी, लेगी, उनका हर कर्म अपराध है। पूरी आईपीसी में भगवान श्री कृष्ण मूल्य में, दूसरा कोई नहीं। अब इनको मानने वाले जो इन्हें रोज पढ़ के आते हैं या रोज पूजा पाठ करते हैं, निश्चित है उनके अंदर थोड़े बहुत गुण भगवान के पालन करते हैं सिद्धांतों का, इसलिए वो मूल्य मानते हैं और खूब पिटते हैं, जेल जाते हैं, दूसरा कोई नहीं जाता। आपकी बहन की इज्जत लौट रही है आपकी आँख के सामने, पहले थाने जाओ, उसे मत बचाओ। तो वो कहने का मतलब ये है कि इन सब बातों में कुछ नहीं लगा, ऐसे वीडियो भेजने से, और ये सब बेकार की बातें हैं। अब दूसरी बात उनने एक और कही थी, क्या है वो मेरे को इस समय ध्यान नहीं है। दूसरी बात उनने कही थी कि जो है ऊपर वाले की लाठी से डरो, उसकी आवाज़ नहीं सुनाई देती। अरे यार, यही बात तो हम तुमसे कह रहे हैं और कौन से कह रहे हैं, यही तो हम बताना चाह रहे हैं तुमको, ऊपर वाले की लाठी से डरो। तुमने भगवान सब ताले बंद करवा दिए, भारत का ऐसा कोई गली कूचा नहीं है जहाँ तुमने भगवानों को ताले नहीं बंद करवा दिए, सब ताले बंद हैं, एक एक मंदिर बंद है। ये कर्म तुमने करे हिरण्यकश्यप जैसे, पूजा बंद, पूजा पाठ बंद, मंदिर बंद, ये बंद, वो बंद, तलादा बंद, हर भगवान ताले में इस वक्त, हर भगवान को तुमने बंद कराया, हर मंदिर को तुमने बंद कराया, मैंने नहीं कराया, पाप तुमने किया, अपराध की, फिर काहे को ऊपर वाले की बोल ले रहे हो सारा। जो ऊपर वाले को मानते नहीं हो, ऊपर वाले से डरते नहीं हो, ऊपर वाले को मानते या ऊपर वाले से डरते तो काहे को मंदिर बंद करवाते, भगवान को मानते ही नहीं, भगवान क्या कर लेगा, कुछ नहीं। कोरोना मिटाओगे तुम मिटाओगे, वैक्सीन लगवाओगे तुम लगाओगे, भगवान कल लगाए आएगा, है ना, यही बात है ना। भगवान से डरते होते तो मंदिर बंद नहीं होते, हवन पूजा पाठ बंद नहीं होते भारत के अंदर, और वो अकेले ही निपट लेते कोरोना मोरोना से, कि वैक्सीन बिके कैसे भी बिके, हमने खरीद ली है, अब लगवानी तो पड़ेगी, वैक्सीन लगवा ली, सब करवा लिए, फिर भी मर रहे लोग, फिर भी नहीं बचा पाए, उन पर भी दो आंसू बहा दो यार, जो गए या जो जाने वाले हैं तुम्हारे ट्रायलों में, वैक्सीन का ट्रायल कर रहे हो, दवाइयों का ट्रायल कर रहे हो, ये कर रहे हो, तुमने लाखों माल डाले, अब थोड़े आंसू उन पर बहाओगे ना तो लगेगा कि यार आंसू हैं, दर्द है थोड़ा बहुत, भूखे मर रहे हैं, प्यासे मर रहे लोग, थोड़ा दर्द है। तुम्हारे ये लॉकडाउन और कर्फ्यू ने कोरोना ख़त्म नहीं कर पाया, बढ़ा दिया, खाएगा नहीं आदमी, पिएगा नहीं, इम्यूनिटी कहाँ से आएगी, इम्यूनिटी आती खाने पीने से, वो भी शुद्ध खाने से। तुम्हारे बाजार में हर चीज़ तो नकली है, तेल से लेके वो आटे तक सब सब मिलावटी, सब सब चीज़ नकली आ रही है, दूध दूध उसका बन रहा है क्या नाम है डिटर्जेंट का, और यूरिया फ्यूरिया और वो दुनिया भर के केमिकल डाले, क्यों दूध ही नहीं मिल रहा, इम्यूनिटी कहाँ से आएगी आदमी। घी के भाव वो हो गए, अब जब दालें जब बिक रही हैं इस समय 160 से लेके और 200 से ऊपर बिक रही, अब इम्यूनिटी कहाँ से आएगी। तो ऐसे वीडियो वीडियो हमें मत भेजा करो, हम राजनीति राजनीति में इस समय नहीं है, हम आदमी हैं, और ऐसे वीडियो वीडियो और ऐसे अर्जी फर्जी ग्रुप बना लेते हैं, हमें मत जोड़ा करो, और ना ऐसे वीडियो वीडियो भेजने की ज़रूरत।
अब मोदी की इमेज गिर रही है तो उसे मैं नहीं बचा सकता या मैं नहीं संभाल सकता, मेरे बूते का काम है नहीं, खराब हो गई तो हो गई, बुरे कर्म कर रहा है यार, तो मैं क्या उसमें अच्छे कर्म करवा दूँ, उससे मानते ही नहीं है, भगवानों को ताले में डलवा दिए उसने, सब बंद करवा दिए, आम आदमी भूखा मरे प्यासा मरे, रोजी रोटी है नहीं, काम धंधा है नहीं, इसलिए प्लीज नहीं, कतई नहीं। देवियों, सज्जनों, ख्वातिनों हजरात एंड लेडीज़ एंड जेंटलमैन, फिरोज़ बख्त अहमद, चांसलर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद ने ये वीडियो विशेष रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी के उन आंसुओं को लेकर बनाया है जो उनकी आंखों से काशी के कोरोना योद्धाओं के लिए भावुक होकर बहे थे। साथ ही साथ ये वीडियो उन बेदिल और बददिल कांग्रेसियों, वामपंथियों व विरोधियों के लिए भी है कि जिन्होंने इन आंसुओं की भावुक श्रद्धांजलि को क्रोकोडाइल टीयर्स पीआर बनाने का प्रयास और नाटक बताया। वास्तव में ये उनके अपने कुकर्म हैं जिनकी छवि में उन्होंने मोदी जी को आंका। दोस्तों, एक बात और बताता चलूं, प्रधानमंत्री ने जब जब आंसू बहाए हैं, चाहे वे संसद में गुलाम नबी आज़ाद के लिए हों या अपनी माँ हीराबेन मोदी के लिए बहाए हों कि कितनी कुर्बानियाँ देकर उन्होंने उन्हें पाला पोसा, उनके भाई बहनों को पाला पोसा, विपक्षियों ने सदा ही उन पर बड़ी भूंडी और भद्दी टिप्पणी की, बल्कि ये कहना होगा कि अठाहस किया और यहाँ तक कि खिल्ली भी उड़ाई। मैं किसी का नाम लेकर अपनी ज़बान को नापाक नहीं करना चाहता, मगर ऐसे महानुभावों को मैं बता दूं कि यदि उन्हें ऊपर वाले पर विश्वास है तो ये जान लें कि उसकी लाठी बेआवाज़ होती है, कभी भी पड़ सकती है। और ये भी सुन लें कि किसी दुखे दिल का मजाक ना उड़ाएं, क्यों? क्योंकि उसकी आवाज़ फर्श से अर्श पर जाती है। देवियों, सज्जनों, ये भी बताता चलूं कि मोदी जी का जो हृदय है वो फूल की पंखुड़ी जैसा कोमल एवं निर्मल है। यदि उनका कोई पक्षी जैसे मोर वगैरह है, मुझे बताया गया, आदि बीमार हो जाता है या गुजर जाता है तो एकांत में वे उसके लिए हपक हपक कर आंसू बहाते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वो कमज़ोर व्यक्ति हैं। रोने वाला व्यक्ति कभी कमज़ोर नहीं होता। दूसरी ओर आप ये भी सुन लें कि जब तंत्र की बात आती है तो यही दिल फौलाद से भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है, जैसा कि आपने फौजी मोदी को गलवान घाटी में चीन को धूल चटाते हुए या पाकिस्तान में आतंकियों के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए देखा होगा। दोस्तों, एक बात मैं कहने जा रहा हूँ, थोड़ी कड़वी बात है, बुरी तो लगेगी, मगर फिर भी सभी मोदी विरोधियों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। एक छोटा सा प्रश्न है कि भाई, जब भी किसी बात पर आपके माता पिता, दादा दादी या किसी बड़े को फैमिली में कोई गम होता है या आंखें नम हो जाती हैं, तो क्या आप उनको भी नौटंकी बताते हैं? माफ़ कीजिए, मैं ऐसा पूछना नहीं चाह रहा था, लेकिन जब आप मोदी जी के लिए ऐसा सोचते हैं तो पूछना पड़ेगा। आपकी आंखें भी तो कभी नम होती होंगी, आंसू आते होंगे। मैं बताता हूँ आपको, कुछ रोज़ पूर्व मेरी एक खरगोशनी जो थी वो गुजर गई, अल्लाह मियाँ को प्यारी हो गई, और मुझे उसका इतना गम है कि मैं आज भी फूट फूट के उसके लिए रोता हूँ। नमाज़ पढ़ता हूँ तो नमाज़ में उसकी याद आ जाती है, तब भी ज़ारो कतार में रोता हूँ। ये दिल है भाई, ये पत्थर नहीं है। और एक बात और सुन लीजिए, मोदी जी का मन तो इतना कोमल है कि वे तो अपने कट्टर विरोधियों के साथ भी बड़ा नरमी का बर्ताव करते हैं। आपको याद होगा कि एक बार ऑनरेबल केजरीवाल जी ने उन्हें मानसिक रूप से असंतुलित बता दिया था। आप सोचते होंगे मोदी जी ने उसका क्या बदला लिया। उसका बदला मोदी जी ने उनकी पुरानी खांसी का बेंगलुरु में एक बड़े अच्छे इंस्टीट्यूशन से इलाज करा कर दिया था। ये है मोदी। ऐसे सूफियाना और फरिश्ता सिफत व्यक्ति के दिल को दुखाकर विपक्षी
खुदा के कहर को दावत दे रहे हैं। माफ कीजिए, सख्त जबान है लेकिन सच्चाई है। देवियों सज्जनों, एक बात मैं ये भी बताता चलूं कि मतलब क्या मैं इसको कैसे कहूं, हो सकता है कि आप मुझे जो मैं बात कहने जा रहा हूं, मुझे आप कहें कि मैं मोदी भक्त हूं, मैं इब्नुल वक्त हूं, या मैं कुछ भी हूं, या अल्लाह का भक्त हूं, लेकिन कहूंगा ज़रूर, अच्छी लगे या बुरी लगे आपको। एक बात समझ लीजिए, मोदी जैसा दमदार, दिलदार, जानदार, शानदार, वजादार, सेवादार, वफादार, कामदार और सबसे अधिक ईमानदार प्रधानमंत्री सदियों में, किरणों में बस एक बार ही आता है। उसकी कदर करो, उसकी सेहत और लंबी उम्र की दुआ करो। एक बात और कह दूं, जो आपको करना है करिए, और आप करते चले आ रहे हैं, दुनिया जानती है। मेरी अगर कोई बात नागवार गुजरे तो मेरा फ़ोन नंबर है 9810933050। इस पर फ़ोन कर लेना, क्योंकि मोदी के बचाव के लिए मैं दुनिया के 800 करोड़ लोगों में से किसी से भी डिबेट का चैलेंज कबूल करने को तैयार हूँ। शुक्रन कसीरन, जय हिंद।